वेलकम बैक टू माई चैनल मैथमेटिका टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम एनसीआरटी टेक्सट बुक सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन द फिगर ओ ए इज इक्वस टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वस टू ओ सी इस फिगर में आपको दिया है ओ ए जो है आपका ओ बी के बराबर है एंड ओ डी जो है आपका ओ सी के बराबर है वी हैव टू शो डैट एंग ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी तो ट्राइंगल ए ओ डी मीन्स दिस ट्राएंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी मीन्स दिस ट्राइंगल एंड सेकेंडली वी हैव टू शो डैट ए डी इज पैरल टू बी सी दिस इज ए डी विच इज़ पैरल टू बी सी हमें ये प्रूव करना है तो so, इसमें हम करेंगे क्या पहले हम इसका देख लेते हैं फिर उसका प्रूफ लिखता है करना क्या है हमें ओ ए ओ बी के बराबर है अगर इन दो ट्राइंगल को हम लें ओ ए ओ बी के बराबर है ओ डी ओ सी के बराबर है एंड देखा जाए ये वाला एंगल सी ओ बी जो होगा डी ओ ए के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ठीक है जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ डी ए जो होगा ओ सी बी के इक्वल हो जाएगा मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और जब हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी वो लाइन्स क्या हो जाती है पैरल हो जाती हैं ठीक है तो कॉन्सेप्ट कुछ मुश्किल नहीं है तो अब हम इसका क्या लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं तो पहले हम लिखेंगे वट इज गिवन गिवन क्या क्या है हमारे पास ओ इज इक्वल्स टू ओ बी ठीक है एंड ओ डी इज इक्वस टू ओ सी ये हमारे पास गिवन है ठीक है टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है ट्राइंगल ए ओडी इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल बी ओ सी और सेकेंडली हमें क्या प्रूव करना है ए डी इज पैरेलल टू बी सी ठीक है तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का प्रूफ फर्स्ट पार्ट का ठीक है इन ट्राएंगल ए डी एंड ट्राएंगल बी ओ सी हमारे पास क्या क्या है हमारे पास है ओ ए इज इक्वस टू ओ बी विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन सेकेंडली ओ डी इज इक्वस टू ओ सी इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी ए डी जो एंगल है एंगल ए ओ डी इज इक्वस टू एंगल ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल तो एंगल बी ओ सी क्यों हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं देफ ओ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राएंगल बी ओ सी वर्ट ये कांग्रेन तो, क्यों है कौन सा रूल लगेगा यहां पर देख लेते हैं एक ये साइड बीच में एक ये एंगल और एक ये साइड तो साइड एंगल साइड तो ये किससे हो जाएगा बाय एस एस कॉन्ग्रेंस रूल क्लियर अब सेकंड पार्ट के लिए सिंस ट्राइंगल एडी

सिंस दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट्स ए डी एंड बी सी ये ए डी और बी सी के क्या हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं देयर फोर और हम जानते हैं अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइन्स क्या हो जाती हैं पार्लल हो जाती हैं देर फोर एडीज़ पार्लल टू बी सी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो